देखा, राधा जी को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, तब तक मूर्छित नहीं हुए थे। अब इन दोनों को महाभाव और रसराज कृष्ण को दोनों का एक साथ में देखा। देखी रामानंद हरिया आनंद मूर्छित, भाव की तरंगे उनकी उठने लगी और इतनी जोर से तरंगे उठी कि अब धैर्य नहीं धारण कर सके, अब मूर्छित होकर के वहीं पर हम लोग को तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अनुभूति भी नहीं मिली, न तो कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, न राधा जी, न कोई भाव, अभी साधन भजन ही हमारा नहीं। महाप्रभु एक लकड़ी की मूर्ति आंख गोल गोल बना दिया गया और हाथ भी नहीं है पूरे, पूरी में देखते हैं और कहते क्या है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन प्रतिमान हो प्रतिमा आपने, यदि इसको ऐसा देखते नहीं यहाँ पर बैठी तो देखने मात्र से उचित होते दौड़ पड़ते जैसे कि वहां पर हम लोग ऋषि जी को देखते हैं। सनातन गोस्वामी जी के वही मदन मोहन करौली में है, रूप गोस्वामी के गोविंद जी वहीं पर हैं जो उस समय थे। उस समय में राजा की स्त्री से कहा मैं तुम्हारी नखबेसर पहनना चाहती हूँ। सनातन गोस्वामी से उनके मदन मोहन जी ने कहा अरे रोटी के साथ में मुझको तो थोड़ा सा नमक भी तो दिया कर, हम लोगों से कभी मानते हैं न कहते हैं न हम लोग देखते हैं। ये भक्ति के तारतम्य से देखा, जब ऐसी भक्ति होगी तो ये साक्षात ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ ने साक्षात ठाकुर दिया, किंतु हम लोगों को काष्ठमय विग्रह के रूप में वो उनको हम देखते हैं, ठाकुर जी के रूप में नहीं देखते। अब इनके अंग को स्पर्श करेंगे तो कैसे मालूम होगा, कठोर। एक बार मैं गया दर्शन करने के लिए तो हमारी लालसा हुई उनके चरण को छूऊंगा, दुर्बुद्धि आई तो मैंने अपने पंडा जी से कहा पंडित चलो, तो ले गए तो वो निकट में छोड़ दिया वहां तक जाने, तो हमने अपने हाथ में 10 रुपए का नोट एक ले लिया, ये चरणों को छू करके वहां रखे। चरणों को छूने के लिए गए तो देखा क्या कि हमारा हाथ पकड़ करके अंडो ने एकदम मोड़ करके वो नोट तो छीन लिया, इतने मोटे मोटे इतने लंबे छोड़े, मेरी तो सब ठाकुर सब नष्ट हो। इसके बाद ठाकुर जी को लकड़ी के रूप में कठोर पाया, कहां कुमलत्व पान किया, मन बहुत खराब हो, मैंने कान पकड़ा जो अब निकट से कभी नहीं ठाकुर जी को देखने की चेष्टा। सब लोगों की ऐसी ही दशा है, जिनको प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, साधन नहीं है, वैसे नेत्र नहीं है, महाप्रभु निकट तो जा ही नहीं पाते थे, बहुत दूर से एक पत्थर के स्तंभ पर हाथ रखते भाव में विद्रोह हो जाते और वो पत्थर गल जाते, जिसके ऊपर में पत्थर पर खड़े होते थे वो पत्थर में उनके दाग पड़ रहे वो भी गल जाता। यदि प्रणाम करते महाप्रभु जी तो वो पत्थर पिघल करके ऐसे ऐसे हो जाता, उसको प्रणाम कर रहे हैं वो सब दाग महाप्रभु जी के साथ। भक्त भी ऐसे उनके, हम लोगों को भक्ति नहीं है वैसी, हम लोगों को तो सच में संसारिक चिंताएं लगी रहती, गुरु के ऊपर में उतना विश्वास भी नहीं है, किसका किसका हम लोगों में से गुरु कर्ण हुआ है ये भी संदेह की बात है। अनुष्ठान गुरु एक होता है और एक होता है यथार्थ विद्वत रूढ़ी से गुरु, हम लोग का इनमें से कितने आदमियों का विद्वत रूढ़ी से मैंने यथार्थ रूप में गुरुत्व हुआ है, गुरु को हमने गुरु जी ने हमको मंत्र दिया है, अनुष्ठानिक रूप में दिया नहीं वैसे दिया, अनुष्ठानिक प्रधान नहीं है, उनकी शिक्षाओं को गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करके हृदय को अपने श्रद्धा से लेकर के कहां प्रेम तक पहुंचाएंगे यदि तब इन चीजों की अनुभूति हो सकती है। गुरु का दोष नहीं, यदि गुरु ऐसे सदगुरु हैं तो उनसे लेने का पात्र भी तो चाहिए, और पात्र
छात्र के लिए तैयार होकर के आए, गुरु ही ऐसे नहीं है तो फिर क्या होगा। दोनों का सुपात्र होना जरूरी है। जैसा गुरु होगा शिष्य भी वैसा ही होगा, साधन भजन भी वैसे ठीक रूप में होगा, तब तो होगा। दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो अनुष्ठानिक दीक्षा हो जाए। हम समझेंगे हम तो शिष्य हो गए, किनके शिष्य? पूज्य पात्र महाराज जी के शिष्य, क्यों उनके शिष्य कहेंगे। किंतु होगा क्या, उनसे पूछा कि मंत्र तुमको क्या दिया, तो मंत्र पूरा याद ने क्या कुछ दिया था, बस हरे कृष्ण भी शुभ्र उनको याद नहीं गए, हरे कृष्ण हरे हरे पूरा वो भी नहीं कह सकते। आखिर तुम उनके गुरु जी का नाम क्या है तो क्या कहेंगे, ये तो हमको किसी ने बतलाया नहीं कि उनके गुरु जी का नाम क्या है। तो भक्ति में गुरु जी के गुरु जी का नाम का लेने की क्या जरूरत। अरे तुम अपने बाप पाप दादे का नाम याद रखते हो और ये गुरु जी का नाम, उनका स्मरण कृपा भिक्षा नहीं करेगा तो तुम्हें क्या। इसलिए जब साधन करते 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 हमारी निष्ठा रुचि आसक्ति और अंत में वो भाव जब यहाँ पर प्रकट होगा भाई, तब ठाकुर जी को वैसे देख सकते, गुरु जी के प्रति वैसा आदर होगा, वैष्णव के प्रति आदर होगा, भक्ति के प्रति तो वैसा। ये तो विशाखा जी है ना, इसलिए ये पात्र उसके देखने, इसलिए महाप्रभु जी को उन्होंने समझ लिया। नवद्वीप वाले लोग, वाराणसी के लोग महाप्रभु को पहचान सके नहीं, पर साधारण एक मनुष्य के रूप में उन लोगों ने देखा। अभी भी बड़े बड़े विद्वान लोग महाप्रभु के विचारों को तो लेते हैं प्रवचन के समय, किंतु उनको भक्त से अधिक नहीं मानते। महाप्रभु जी के और भक्त तभी नहीं थे, ये कितना सुंदर ये भाव, कितना ये दे रहे हैं। अच्छा तो राधा जी और कृष्ण के लिए मिलित तन है, राधा जी का स्वराज भाव और राधा जी का महाभाव, ये दोनों मिल करके ये चैतन्य महाभाव। आज तक ऐसा कोई दूसरा अवतार नहीं, इसको सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, साधन भट्टाचार्य जी, प्रकाशानंद सरस्वती और पूरी वाले साधन भट्टाचार्य, ये सब लोग बड़े बड़े विद्वान ऋषि वैष्णव ने उनको इस रूप में अनुभव किया महाप्रभु जी। यदि कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी की कृपा नहीं होती तो हम लोग इन चीजों को समझ नहीं सकते, कहना सुनने नहीं आता। प्रभु तारे हस्त स्पर्शी करे रचितम सन्यासी रवेश देखे विस्मित हो जाए। जैसे सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, अत्यंत जड़ वृद्ध हो गए हैं और कुछ खाते पीते तो थे नहीं, दुबले पतले। जब यहां से वृंदावन से जाते गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते और परिक्रमा करके मथुरा में दोपहर में आकर के माधुपुरी थोड़ा सा कर लेते, वो भी बिना नमक की रोटी सूखी, और लेकर के चले जाते वृंदावन में और वहां जो कुछ मिलता ठाकुर जी को मनी मन में भोग समर्पण करके और उसको ग्रहण करते। और जरक वृद्ध जब हो गए तो वहीं पर गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के पास में रहने लगे, या नहीं लौटते थे और वहां रह करके उसकी परिक्रमा करते। उसमें भी जब नहीं उनसे हो सका, दोपहर में धूप में बेचारे परिक्रमा दे रहे थे, बस भूख से मूर्छित हो गए, न किस लिए मूर्छित हो, बस मूर्छित हो गए इतना ही समय। मैं तो समझता हूं कि भूख से मूर्छित नहीं हुई हूं, जरूर कुछ कृष्ण की लीलाओं का दर्शन वहां पर किया होगा, अपनी भावना के अनुसार में उसको देख करके मूर्छित हो गए। मूर्छित हो जाने पर कृष्ण और बलदेव गोचारण कर रहे थे, बस झट आ गए और कृष्ण ने उनके सिर को उठा करके और अपनी गोदी में रख लिया और अपनी ऐसी छाया कर दी और प्रेम से उनके ऊपर में हाथ सहलाया और बलदेव प्रभु जी अपने पिताम्बर से। देखो कृष्ण और बलदेव स्वयं आकर के उनकी सेवा कर रहे हैं अपनी,
कृष्ण के कोमल स्पर्श से उनको ज्ञान हुआ, होश आया। आज आप जो दृश्य देखा ना उनको, ये हमें ये हवा कर रहे हैं और ऐसा कोमल स्पर्श दे रहे हैं, आनंद में और ऊंची को उस आनंद को सह न सके, फिर इनको सिगाती पैर बाजी, अपने पैर का छाप, उसमें गैया के चरण का छाप, उसमें अपनी बनमाला का छाप और बंसी का छाप देकर इसी के रूप परिक्रमा करना। यहां पर वो मूर्छित हो गए राय राम ने, रसराज और महाभाव दोनों का मिलित रूप देख करके। हम लोग कभी कभी आसक्ति वाले पुरुष को भी, जिनमें आसक्ति हो जाती है या थोड़ा सा भाव का भाव भी हो जाता है, यदि देखें ना तो उनके भाव हमारे अंदर में आ जाएंगे और हम लोग भी वैसे स्थिति हो सकते हैं, जैसे बिंदु मंगल जी आए बिंदा किस कैसी भावना के साथ, रूप सनातन जी कैसी भावना लेकर, उस समय में हम लोगों का यदि सौभाग्य होता उनके दर्शन, जब रूप सनातन जी हाथ उठा करके हार आधे आप कहां हैं, हे विशाखा जी आप कहां हैं, हे वृंदावन धाम आप हमारी करने की बात, कृष्ण मुझे कहां मिलेंगे, और रोते 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 एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, कैसी स्थिति है। उस समय में ये सिंह तक भी अपने घुटने टेक करके उनको प्रणाम कर रहे होंगे, जैसे राधा कुंड में देख सकते हैं ऐसी स्थिति हो। इस तरह से वो ब्रज में इन भावों को जो प्रकाश, हम लोगों का सौभाग्य नहीं, सौभाग्य था अभी थोड़ी ही हुई हो, ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन बहुत दुर्लभ, भगवान मिल जाएंगे सहज ही, किंतु ऐसे प्रेमी भक्तों का मिलना बहुत ही कठिन है, विशेष काल के इस कली युग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा न योग न तपस्या न दान न इज्जा न अर्चन कोई भी चीज कलयुग को उद्धार नहीं कर सकती, कलयुगी जीवों को बस केवल महाशक्तिशाली भगवान नाम, वो भी कृष्ण नाम महाशक्तिशाली, और या प्रेम जगत के लोगों को उद्धार। महाप्रभु जी ने यह विशेषता दी साधारण जीवों के लिए, अधिक तर्क और शास्त्र युक्ति इत्यादि का अवलंबन नहीं किया, सरल सहज रूप में प्रेम को देने की उन्होंने चेष्टा की। जैसे कृष्ण ने अपना स्पर्श यदि प्रकाश नहीं कर सके, उतना अगासुर बकासुर को सहज रूप में उनको उद्धार कर दिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बिना अस्त्र शस्त्र बिना युक्ति तर्क साधारण रूप में और जगत के जीवों के हृदय में नाम और प्रेम। इसलिए इसमें इस कली युग में कल की अवतार नहीं होगा, ये युग में महाप्रभु का यह प्रभाव और बढ़ता जाएगा। 400 वर्ष में जब महाप्रभु आए थे बंगाल से कीर्तन का आंदोलन आरंभ किया, धीरे 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 ये वृंदावन में और बंगाल में पिछड़ा, जो भी मायापुर के पास धीरे धीरे रूप सनातन और इसके बाद में तीन गोस्वामी श्यामानंद जी, नरोत्तम ठाकुर और शिवा श्रीनिवास, इन लोगों ने बंगाल में और फिर उधर आसाम में, मणिपुर में, इधर उड़ीसा में प्रचार किया। इसके बाद उनके और सब दूसरे गोस्वामी आए भारतवर्ष में, जहां जहां गए वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रचार किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, इन्होंने व्यापक रूप में इसका प्रचार आरंभ महाप्रभु जी के बाद। पहले तो लोग एरोप्लेन में नहीं चलते थे, रेलगाड़ी में नहीं चढ़ते थे, समुद्र को नहीं पार करते, जूता तक नहीं पड़ते थे पहनते, और समुद्र को भी पार नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रभु जी की सेवा के लिए सारे विज्ञान को हम भक्ति की सेवा में लगाएंगे, उनके नाम प्रचार में लाएंगे, जरूरत है समुद्र को 10 बार 20 बार 100 बार पार करेंगे, अपने विचारों का सर्व जगह ही प्रचार करेंगे। तब इन लोगों ने आज भारतवर्ष क्या समस्त विश्व में ये लोग धीरे 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 प्रचार, महाप्रभु जी नहीं आते
और अंत में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और हम लोग के गुरु पाद पद्म इत्यादि सब नहीं आते तो इतना व्यापक रूप में सर्वत्र प्रचार नहीं होता। इसलिए कलयुग जितना भयंकर है ये औषधि भी महौषधि है। ये हरिनाम और कुछ भी ना करें कोई भी धर्म नहीं होता, बस हरे नाम और भगवान धीरे धीरे चरित्र बदल जाएगा। महाप्रभु जी ने उनको स्पर्श किया। तीन प्रकार की दया भगवान करते हैं, अपना तत्व ज्ञान जीवों में देते हैं। एक तो दृष्टि शक्ति से, जिसको तरफ में देखा ना शक्ति का संचार कर दिया हृदय में शक्ति, ऊपर से मालूम नहीं हुआ। और दूसरा बातचीत, बातचीत मैंने कहा, उनको उपदेश किया और उनको तत्व ज्ञान दे दिया। और तीसरा है आलोक, जो आलोक बातचीत हार्दिक आलोक, उनको एकदम दर्शन देकर के ही बस कर दिया। यहां पर महाप्रभु जी उनकी मूर्छा अत्यंत घनी हुई थी, अत्यंत घनी, इसलिए अपने हाथों का कोमल स्पर्श देकर के और उनकी मूर्छा को दूर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वर्णन किया है, महाप्रभु जी वदान्य है। वदान्य माने क्या? महावदान्य, इसलिए महावदान्य है ये। और अवतार ने जो कुछ दिया, विशेष करके शत्रुओं को मारा, अघासुर बकासुर इत्यादि को, किंतु वो लोग जीवित काल में ये न समझ सके जे इनकी कृपा हमारे ऊपर में हुई है, कोई नहीं समझा। किंतु इस अवतार में जिस पर महाप्रभु नित्यानंद जी ने कृपा की ना, किसी को मारा नहीं, इसलिए पीछे उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, अनुभव किया, जलाई बधाई, उसके चित्त को एकदम शोधित कर, मारने की जरूरत नहीं पड़ी, संशोधन जो जो सामने आए सबको महाप्रेम ज्ञान हुई। इसलिए पीछे से भी वो लोग समझ सके कि महाप्रभु ने हमारे ऊपर नहीं किया। तो पहले कृष्ण दर्शन देते हैं, या दर्शन के पहले वो अपने वंशित ध्वनि सुनाएंगे, सुस्वा सुनते ही आदमी जीव मूर्छित हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसको उठाएंगे, सुकुमार अपने सुकुमार हाथों से स्पर्श करके उठा देंगे, फिर उनको रूप को देखते ही मूर्छित हो जाएगा। फिर उसको अपने बुला करके, अरे प्रेमी भक्तों उठो, मैं तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं, उससे बातचीत करेंगे, तुम क्यों मूर्छित हो गया हमें, बस सुनते ही वो। फिर इसी तरह से कितनी बार पूछो सुगंध, अपने सुगंध को देख करके उसको फिर मूर्छित से फिर उठा ले। महाप्रभु जी कहते हैं एक साथ में सब चीज, अपना रूप, अपना गुण, अपना सुस्वर, बंसी, ये सब दिखलाएंगे और उनको बेहोश नहीं होने देंगे। ऐसी ये महाप्रभु जी की, इसलिए महावदान। और कृष्ण प्रेम कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं दान कर सकता, कृष्ण ही अपने प्रेम को दान करने वाले, वो भी महाप्रभु के रूप में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है। महाप्रभु जी ने उनको छू दिया और स्पर्श करने के साथ ही में जो कोमल और सुगंधित उनका हाथ लगा कर जब उठ करके बैठ गए। सन्यासी वेश देखे विस्मित है, अब वो जो दृश्य था वो तो अंतर्हित हो गया, ओझल हो गया। उन्होंने देखा था पहले, अभी रसराज और महाभाग दोनों को एक जगह देखा था, अतः सुंदर कृष्ण का रूप किशोर रूप बंसी बजाते हुए, और उधर राधिका जी को देखा, अब दोनों को फिर मेल एक साथ संयुक्त होकर के देखा, उसी समय में मूर्छित हो गए। पथा का स्पर्श पा करके फिर देखते हैं क्या सन्यासी। आनंदन कर प्रभु कैलया स्वादान, तुम बिना ए रूप ना देखे अन्न जान, मैं तुम्हारे अंदर में ऐसे भाव हूं, आज तक इस रूप को किसी दूसरे ने नहीं देखा, महाप्रभु के सन्यासी रूप को भी देखा है और कृष्ण का भी दर्शन कोई कर सकता है या किया हो,
किंतु दोनों का मिला हुआ रूप आज तक किसी ने नहीं देखा, आज तक तुमने ही सबसे पहले देखा। मोर तत्कलिया रस तुम्हार गोचरे, अतएव रूप दिखाई न तुम्हारे, गौरंग नहीं मोर राधांग स्पर्शने न स्पर्शन, गोपेन्द्र सूत बिना तिहो ना स्पर्शे अन्न जन। कहते हैं कि मेरा यह जो लीला तत्व है, तुम्हारा अतिरिक्त कोई ऐसा पात्र नहीं जो कि इस चीज को समझे और दर्शन करे। मैंने तुमको दिखलाया, ये क्या दिखलाया, गौर अंग नहीं मो, मेरा जो अंग है ये गौ वर्ण नहीं है सन्यासी के रूप में, ये तुम गौ देख रहे, ये मेरी प्रभा नहीं, अंग ज्योति नहीं है, बल्कि मोर राधा अंग स्पर्शम गोपेन्द्र, ये राधा जी के अंग के स्पर्श करने से ये मेरी कृष्ण की ये अंग कांति और भावना होगी। राधा जी के स्पर्श से राधा जी के अंग को कोई दूसरा नहीं स्पर्श कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उन योग माया उनकी सब प्रकार से रक्षा करती है। राधा जी मैं को जब देखती हैं वृंदावन के लीला में, तो मैं को भी श्याम सुंदर समझकर और उनसे मिलने की आकांक्षा करती हूं। कभी कभी तमाल वृक्ष को देखा और तमाल वृक्ष को कृष्ण समझकर अथक उनका आलिंगन करती हैं, श्याम सुंदर मिल गए उनसे बातचीत करेगी। कभी कभी अपने ये केश जो काले हैं इनको देख करके भी कृष्ण की स्मृति उनकी जग उठती है। किंतु उद्धव जी ब्रज में आए, कृष्ण जैसे देखने में, कृष्ण की जितनी लंबाई जैसे अंग के अंग सुंदर है, उद्धव जी की कृष्ण के ही समान है। कृष्ण ने अपने वस्त्रों को पहना दिए हैं, श्याम रूप भी है और श्याम के समस्त अलंकार भी धारण कर रखे, अपना पीतांबर उनको पहना दिया प्रसाद से, अपनी प्रसादी माला उनको दे दी, अपने कपड़े दे दिए, सब कुछ दे दिया और अपना रथ भी दे दिया, उसको बैठा करके वृंदावन में भेजा। उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों ने उनको देखा, देखा जी श्याम सुंदर ही आ रहे हैं, श्याम सुंदर जैसे श्याम बटे किंतु श्याम न, बंगला में है ये श्याम बटे किंतु श्याम न, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, रंग से श्याम देखने में श्याम जैसा है किंतु श्याम अर्थात कृष्ण श्याम ये नहीं। देख करके भाव में मग्न हो रही हैं और कृष्ण के दूत रूप में एक भावने से बातचीत करने लग गए और उद्धव जी देख करके दंग रह गए, होश में नहीं रहे। उनको आलिंगन नहीं किया, उनसे छेड़ा भी नहीं, पूछा कि नहीं उद्धव तुम कौन है, कुछ भी पूछा ही नहीं, बल्कि दूसरी गोपियां ने कुछ पूछा। गोपी ने कहा तुम मथुरा से आए हो, उद्धव जी ने कैसे समझ लिया कि मैं मथुरा से आया, तुम जरूर मथुरा से, अच्छा तुम श्याम सुंदर के निकट से आया है, ये भी आपको कैसे मालूम हो गया। अरे हमको मालूम हो गया, कैसे मालूम हो गया, मालूम हुआ इसलिए आंखों से हम नहीं देख रहे, हमारी नाके कभी भूल नहीं कर सकती, क्या नहीं भूल कर सकती, श्याम सुंदर का गंध तुम्हारे अंगों में, ये क्यों उनके वस्त्रों से और उनकी मालिका से श्याम सुंदर का अंगों का गंध उसने लग गया और तुम उसको पहन करके आया है, तो वो श्याम सुंदर तो दूसरे को वो फूलमाला और अपने वस्त्र देंगे नहीं, किसको देंगे, जो अपना घनिष्ठ मित्र बंधु होगा, तुम जरूर उसी श्याम सिंह के निकट से आए। और एक बात किसे कह रही है, वो भौरे से कह रही है, उद्धव को देखा दूसरी गोपियों ने उत्प्रेक्षा करके उनसे ये कार्य उद्धव समझ रहे हैं, राजे बड़े अच्छे रूप में आए, बड़े सोने जैसे कपड़े धारण करके आया, कहां ब्रज में आया ना,
तो कृष्ण की मैया को दिखलाने के लिए आया, ये हमारा लड़का अब मथुरा का द्वारका का राजा होगा, ये चीज को दिखलाने के लिए तू आया। ये उनका दूत ही इतना सोने के रथ में चढ़ करके आ सकता है और इतना वैभव कैसा, तो कृष्ण को इसलिए हमारा बेटा कहीं आता जाता नहीं है मैया के पास में। जो अभी बैया चराते हैं जिनका नाम गुरु है, उनके पास में हमारा बेटा मैंने वो कैसे आएगा, बोला जाता है। जैसे कहानी कहता हूँ मैं, कहानी नहीं सचमुच की बात, यहीं पर मथुरा में कोई जज थे, उनका बाप था गांव का कमारू आदमी, चमरुआ जूता पहन था और घुटने के ऊपर तक कपड़े पहन करके एक लठिया लेकर के बेचारा अपने बेटे के पास में मथुरा में आया। पता लगा कि घर में वो नहीं है, वो तो वहां पर बैठा है कचहरी में है। तो पूछते पूछते अपने बेटे का परिचय देते हुए वो वहां पर, तो वहां पर एकदम कोर्ट में लोगों ने उसको मना किया मत जा, तभी वो माना नहीं, देखा जिसे बेटा वहां पर बैठा हुआ है, सोचा जब बेटे को आई बैठा दूंगा जी, इतना बड़ा अफसर हो गया प्यार करूंगा। तो वो जब गया तो वो बड़े बड़े अफसरों के साथ में बातचीत कर रहे थे, ये निर्धारण वहां पर पहुंच गया और बेटा बेटा कहने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई ये चमकदार जूता पहना हुआ, व्यवहार फटी हुई और ये ऐसे कपड़े बन रखा थे, ये कौन यहां आ गया? तो उनसे पूछा गया ये कौन है, तो कहेंगे दिस इज माई सार्वेंट, मेरा नौकर है। तो वो समझ गया, उसने कहा कि नहीं मैं इसका नौकर नहीं, इसकी मैया का नौकर हूं। और ये कह करके तो ऐसे लोगों को लग जाती है ना, तो वैसे ही गोपियां ऐसे समझ लिए कृष्ण को, ऐसे अपना परिचय देने में इनको लज्जा होती है, इसलिए नहीं आकर के अपने दूत को इस रूप में भेज। उद्धव जी कहते हैं कि पृथ्वी यदि फट जाती ना तो मैं उसके अंदर में समा जाता, ये लज्जा से मुख दिखलाने लायक मैं नहीं रहा। गोपियां ऐसे पैसे उनको बना रही थी। तो यहां पर वो जो कृष्ण का भाव, वो कृष्ण साक्षात यहाँ पर राधा जी के साथ में यहाँ पकड़े। जब कृष्ण की ऐसी ही लीला में विशाखा जी को कोई आश्चर्य नहीं, किंतु आश्चर्य हुआ इस रूप में, इसलिए महाप्रभु जी का भाव और भी बहुत ऊंचा है। इसलिए महाप्रभु को सोचने के लिए, समझने के लिए ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा भाव चाहिए भाई, तब हम लोग समझ सकते हैं, अन्यथा महाप्रभु को हम लोग नहीं समझ, उनकी लीलाओं को भी नहीं समझ सकते। पहले तो ये समझे जो निष्ठा किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं, ये पहले समझे, तब महाप्रभु जी को महाभाव की अवस्था में यदि कोई जाए किसी जन्म में, जन्म जन्मांतरों में, तब कुछ ये साधारण बात। आप लोगों का परम सौभाग्य प्रतिदिन किसी न किसी रूप में महाप्रभु जी की लीलाओं का, राधा कृष्ण की ऐसी प्रेम में लीलाओं का स्मरण आप लोग, ये बहुत सौभाग्य की बात है। महाप्रभु जी ने उनको चेतन कराया और बोले तुम्हारे बिना ऐसा हमारा रूप आज तक किसी ने भी न देखा न उपलब्धि किया। आप लोग श्रवण के द्वारा ही जितना सुन रहे हैं ये हम लोगों का अपनों का परम सौभाग्य। गौर अंग नहीं वो, हमारा अंग गौर नहीं, गौर अंग नहीं है, ये तो राधिका जी का है, वो तो मेरे ऊपर में प्रतिफलित, उन्होंने चाह हमारे समस्त अंगों को अपने अंगों से ढक करके भाव को भी अपना हमारे अंदर में संक्रमित कर दिया। उनका इस समय में मैं राधा जी का भाव, उनकी अंग कांति और एकदम तन्न होकर के वही राधा जी के रूप में ही हूं। तबे तार भावित करी आत्मन, तबे निज माधुर्य करी आस्वादन, मैं तो इसीलिए राधा जी का भाव, उनकी अंग कांति प्रयोग करके कृष्ण के इन सुंदर भाव को माधुर्य को मैं आस्वादन करता हूं। तुम्हार खाई हमार किचू,
गुप्त नहीं करना। तुम्हारे यहाँ हमारा मैंने चोरी करने की चेष्टा की, चलाकी करने की चेष्टा की, किंतु भक्तों के से वो छीन ली। भगवान बड़े चतुर हैं, ये बात ठीक है, बहुत चतुर बुद्धिमान है, किंतु यशोदा के सामने उनकी चतुराई नहीं चलेगी, सखियों के सामने, सखाओं के सामने उनकी चतुराई नहीं चलेगी, विशेष करके सखियों के सामने। ब्रह्मा जी को तो मोहित कर देंगे, शंकर को मोहित कर देंगे, देवताओं को भी मोहित कर देंगे और भक्तों को भी मोहित कर देंगे, किंतु गोपियों को मोहित करना खुद ये उनके लिए संभव नहीं, वहीं पर वो हार जाते हैं, खुद मोहित हो जाते हैं, मोहित है। इसलिए अब हमारे छिपाने की तुम्हारे पास में कोई बात, लुकाई ले प्रेम बोले जान सब का, यदि छिपाऊं भी तो आप प्रेम के बल पर उन्हें जान सकते हैं और जान लेते हैं, इसलिए मैं आपसे निकट छिप नहीं सका, छिपाने की चेष्टा की। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं, यदि साधारण एक भक्त भीषण के यहीं यदि वो अपनी बात को छोड़ करके उनकी बात की रक्षा करते हैं, तो ऐसे प्रेमी भक्तों की बात नहीं, इसलिए वो प्रेम के द्वारा वशीभूत हो सकते हैं। गुप्त राखी हो ना कही हो प्रकाश, हमार बात में चेष्टा लोके उपहार, हमारे इस भाव को तुम कहीं भी अलग से प्रकट मत करना, अपने मन में गुप्त रखना, जब तक मैं प्रकट रहूं तभी मत कहना, नहीं तो लोग मुझे पागल कहेंगे और तुम्हें भी पागल कहेंगे। इस देश को प्रकाश पड़ता है, जो ज्ञाधिकारी भजन के प्रभाव से पीछे इन चीजों को समझेगा। आनी एक बात हूं तुम ही द्वितीय बात, मैं एक पागल और तुम एक पागल और मिल गए। हमारे अद्वैताचार्य जी ने कहा एक पागल बड़ा पागल है महाप्रभु और दूसरा पागल मिल गया नितान, और दो पागल जगाई मधाई मिलकर के ये चार हो गए, और ये चार समस्त मत यहाँ के नवदीप निवासियों को ये चारों सबको पागल बनाएंगे, और नवदीप वासी और सब ये एक पागलों का समूह मिल करके जगत को पागल बनाएगा। इसलिए तुम सावधान रहो, हरदास ठाकुर को मना कर दो। तो यही पता है, एक मैं पागल, द्वितीय तुम पागल, अतः तुम्हारा अमाय यही सम, तुम और मैं पागल, बस दोनों ही अपने अपने भाव को रखें, ये तीसरा न समझे। ये विशेष करके हम लोग जो यारूप गोस्वामी का भक्ति का स्वामी सिंधु, उनकी उज्जवल निर्मणी और उनके ग्रंथों को विशेष करके गोविंद लीलामृत आदि यहाँ यदि पाठ करें ना, तो सब मथुरापुरी के लोग मारने के लिए आएंगे, कहेंगे ये सब भ्रष्ट कर रहे हैं समाज को, जाति नहीं समझ सकेंगे। इसलिए उन चीजों को छिपा करके साधारण रूप में वैधिक भक्ति का प्रचार करो, नाम करो, कीर्तन करो, ये करो, और ये जो अंतरंगा जो राधांगा भक्ति, इसको सबके सामने नहीं कहे, क्योंकि समझ नहीं सकेंगे, धारणा ही नहीं कर सकेंगे, उनके लिए लोक समाज करो। साधारण ये चीजें हैं, बस वैधिक भक्ति का प्रचार प्रसार, बस ये सदाचार ठीक रखो, भगवान का नाम करो, तत्वतः सभी हम कृष्ण के दास हैं, बस यही तक मिलता है। राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का भी नेतक समाज करित मान सकते, ये श्रीमद भागवत में भी मना किया गया, इसलिए हम लोग उनके जो उपदेश हैं उनके उपदेशों से पहले साधारण उपदेशों से आरंभ करें, और फिर यदि हमारा कर्म सौभाग्य होगा तो रसिक वैष्णव के संग में इन चीजों की उपलब्धि कर सकेंगे, तब तो हम लोग इन चीजों को जान सकेंगे। आज यही तक रहे।